Electricity, what is the electric current? Electric current is, it is a form of energy, right? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जिसका हो गया उसको ठीक है, और जिसका जितना तक हो गया तो उधर से फिर मैं शुरू कर रहा है फ्रेशली. इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, राइट? तो क्या होता है देखो, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस उसको लेके शुरू करते हैं फर्स्ट हम. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक करंट. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक करंट. उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. एंड करंट इज व्हाट? Current is the electric charge flowing through a conductor in 1 second is called the electric current. Electric current क्या होता है? Electric current होता है कि flow of charge अगर 1 second में जितना amount of charge flow करता है through a conductor, that is called a electric current. Understood? मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. So, पार्ट सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? करंट इज इक्वल टू, हम लोग ये लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट? हम लोग आई इज इक्वल टू लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. So, अगर I is equal to, just a minute. So, I is equal to हो गया तुम्हारा Q by T. Q मतलब क्या होता है? Amount of charges flow per second, that is I, right? And quantity of electric charges flowing through the conductor in 1 second, that means क्या होता है? I is equal to Q by T. Q is the amount of charges flowing per second, and I is the current, and electric current is neither a scalar quantity or vector quantity. क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ऐसा होता है कि इट इज नाइदर ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर वायर क्या होता है? हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शंस. सो एसआई यूनिट ऑफ द करंट, एसआई यूनिट ऑफ द करंट हम लोग जानते हैं कि देखो, हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. वी नो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. क्यू का यूनिट क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? कूलम. एंड टी मतलब क्या होता है? सेकेंड, राइट? मतलब क्या हो गया? सी एस इनवर्स हो जाता है. अंडरस्टूड? सी हो गया, सी एस इनवर्स हो गया. तो कूलम पर सेकेंड हो गया इज कॉल्ड एम्पियर. कूलम पर सेकेंड मतलब इज कॉल्ड एन एम्पियर. So SI unit of current is ampere, and unit ampere is denoted by the letter A. हम लोग ampere को किससे denote करते हैं?
ये जो 1 कूलम पर सेकेंड लिख रहा है उसको हम लोग क्या कर रहा है, एम्पियर हिसाब से लिखता है। अंडरस्टूड? सो 1 मिली एम्पियर मतलब होता है 1/1000 एम्पियर, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी अगर हो गया, इन दैट केस क्या होता है, अगर क्यू का वैल्यू अगर 1 होगा, टी का वैल्यू अगर 1 होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर यूनिट चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर बाय यूनिट टाइम, तो इसमें क्या बोला है, इसमें यूनिट चार्ज भी बोला नहीं है, इसमें क्या बोला है, स्पेसिफिक कर दिया 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स वी कैन से करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। अंडरस्टूड? ये हो गया लॉजिक। समझ में आया? तो दैट इज द 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करेगा कोई कंडक्टर थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड द एम्पियर। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ, देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है, व्हेन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। So electric potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done. मतलब क्या होता है कि हम लोग जितना amount 1 unit positive charge को infinity से कोई एक point में, 1 unit positive charge को infinity से कोई एक point में लेके आने के लिए जितना amount of work done होता है, that is called a इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बी केयरफुल, ये डेफिनेशन को याद करना, बहुत अच्छे से याद करो। क्या होता है कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
इन्फिनिटी से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में लेके आने के लिए जितना उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड 1 volt एंड दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. समझ गए? इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट में 1 unit पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा, उसके लिए जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. याद रहेगा? क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. सो देखो, जिसको हम लोग SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज. SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू. V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, राइट? मतलब पोटेंशियल, यूनिट ऑफ द पोटेंशियल हम लोग करेगा डेफिनेटली, बट बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, V इज इक्वल टू W बाई Q. What is the meaning of W? W means होता है work done. W means होता है work done and Q मतलब होता है charge. Right? So that is called a electric potential W by Q हो गया. And then SI unit of joule क्या हो जाता है? SI unit of work is the joule. Be careful. SI unit of the joule. Your work क्या होता है? Joule होता है. J और क्या होता है? Coulomb. तो हम ultimately electric potential के unit जो है, उसको हम लोग लिख रहे हैं कि JC inverse. तुम्हें अगर कोई question पूछेगा, what is the physical quantities? तुम्हें अगर बोलेगा volt की कौन सा physical quantities का होता है? Volt कौन सा physical quantities का होता है? आराम से तुम लोग लिखोगे. कि वोल्ट होता है कि यस इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, राइट? लेकिन अगर तुम्हें बोलेगा कि जेसी इनवर्स कौन सा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का होगा, तो तुम लोगों को बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ होगा, राइट ना? तुम लोगों को बोलने के लिए तकलीफ होगा जेसी इनवर्स कौन सा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का होगा, तब तकलीफ होगा कि तुम लोग बोलेगा ये क्या है. एक्चुअली क्या होता है, जूल बाई जूल पर कूलम, जिसको हम लोग लिख रहे हैं कि जेसी इनवर्स. तो ये सब चीज को याद रखो. मैं थोड़ा देर पहले जैसे दिखाया था कि सीएस इनवर्स कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज का है, तुम्हें एम्पियर बोलने से फटाफट बोल देगा इलेक्ट्रिक करंट. अगर तुम्हें बोलेगा कि सीएस इनवर्स किसका है, बस खत्म. तो ये पार्ट को तुम्हें याद रखना बहुत जरूरी है. नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना जरूर, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि दो एंड का अंदर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, दो एंड का अंदर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ये एंड में मान लो वी ए है और ये एंड में मान लो वी बी है, तो दोनों एंड का अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होता है, वी ए माइनस वी बी. अंडरस्टूड? क्लियर है? यस सर. और हम लोग देखो, मैं ऑलरेडी जान गया कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, इज नॉट इट? हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू. तो अब मतलब वी ए मतलब क्या होगा, W ए, वी बी मतलब क्या होगा, W बी बाई क्यू. एंड इट इज क्वाइट नेचुरल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, ए एंड बी का अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ये ए
ये एक कंडक्टर है, जब पार करके चला जाता है बी हो जाता है। करंट फ्लो अगर इधर से इधर होगा ना, एक चीज याद रखो, प्रैक्टिकली समझो मैटर को, एक चीज याद रखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वोल्टेज खाते हैं। ये लॉजिक क्लास 11 में जाके जो भी सीखेगा और 12 में जाके तो बहुत ज्यादा करके ही सीखेगा। ये वर्ड याद रखो, रेजिस्टेंस या फिर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वोल्टेज खाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होता है। कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, मानो ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है इसका रेजिस्टेंस अगर आर होगा, दैट मीन्स आई इंटू आर, राइट, दैट मीन्स आई इंटू आर। आई करंट फ्लो हो रहा है तो आर करंट, तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, ये देखो वी ए और इसका क्या हो जाता है वी बी, तो ये दोनों पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट का अंदर में जो गैप है दैट इज क्या होता है वी ए माइनस वी बी हो सकता है। इसमें बोला बिटवीन बी एंड ए बोला है, तो अगर बी एंड ए बोला है ठीक है कोई बात नहीं है, अगर बी एंड ए बोला है दैट मीन्स क्या होता है वी बी माइनस ए होगा, वी ए होगा, और वी बी माइनस क्या होगा, वी बी मतलब क्या होगा, वर्क डन इज डब्ल्यू बी बाई क्यू, वी ए मतलब क्या होता है डब्ल्यू ए बाई क्यू, राइट। तो मतलब क्या हो जाता है, ये हो गया Q, Q हो गया LCM, so WB minus WA, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे सर। So इसमें भी देखो VB माइनस VA मतलब क्या हो गया 1 वोल्ट, जो हम लोग JC इनवर्स बोल रहे हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं 1 वोल्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करके मेजर किया जाता है। सो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ा है, अच्छा SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हम लोग पढ़ लिया, दैट इज वोल्ट। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, और इसका यूनिट पढ़ा है। और इसका यूनिट का वजह से हम लोग ये भी बता चुका है, इलेक्ट्रिकल यूनिट का वजह से हम लोग ये भी बता चुका है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अगर हमको जेसी इनवर्स देगा, अगर मुझे जेसी इनवर्स देगा, सो अल्टीमेटली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट वी नो। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड एसआई यूनिट ऑफ द वोल्ट, एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज वोल्ट। अंडरस्टूड? कोई तकलीफ होने से बताओ, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। हाउ इज पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे करके मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, दो ठो साइड, ए साइड बी साइड, ये दो साइड का बीच में, ए साइड एंड बी साइड, ये दो साइड का बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का गैप होता है, यही तो है। तो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब हम लोग जान गया, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिटी से लेके आने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। एंड हाउ इज पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करके मेजर किया जाता है, देखो एक रेजिस्टेंस है, मैं तुम लोगों को क्या बोला है, कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वोल्टेज को ड्रॉप करवा देते हैं, वोल्टेज को खाते हैं। अगर वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा मतलब क्या हो गया, ये एक एंड है, ये एक एंड है, इधर का है ए
इधर क्या है बी, तो इधर क्या है वी ए, इधर क्या बन गया वी बी, राइट। इधर क्या हो गया वी ए, इधर क्या हो गया वी बी, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया वी ए माइनस वी बी, राइट। तो इसको तुम पता कैसे चलेगा, इसके लिए क्या करता है, इसका पैरालली एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेगा एक वोल्टमीटर सेटअप करते हैं, एक वोल्टमीटर सेटअप कर लेते हैं, राइट, ठीक है ना। ये वोल्टमीटर जब सेटअप कर लेते हैं तो ये दोनों का एंड में, दोनों एंड का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होता है वो वोल्टमीटर मेजर करके तुम्हें बता देगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, हम लोग ये पता चलता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो रेजिस्टेंस है, जो दोनों टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल का अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं तो इसके साथ हम लोग वोल्टमीटर को कैसे लगाता है, पैरेलली लगाता है, अंडरस्टूड, पैरेलली लगाते हैं, क्लियर है ना। एनी डाउट? यस सर। No, sir. देखो इसमें क्वेश्चंस दिया है, बोला हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट 128 वोल्ट्स, 118 वोल्ट्स टू पॉइंट 128 वोल्ट्स, राइट, मूविंग ए चार्ज। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब पी डी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पी डी नहीं लिखे, हम लोग क्या लिखेगा, V लिखेगा। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू वी, और V मतलब क्या होता है, बोला है फ्रॉम 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेगा, चार्ज कितना बोला है, देखो 2 कूलम बोला है ना 2 कूलम, अगर 2 कूलम बोला है 2 लिख दिया, और वोल्टेज क्या होता है, हम लोग 128 माइनस 118 वोल्ट मूव कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू, 2 इंटू 10 वोल्ट करने से वर्क डन कितना हो गया, 20 जूल हो गया ना, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं यार। आ रहे सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, सो बाकी जो एग्जांपल्स है उसको ट्राई करके देखो, नहीं तो मुझे बताना। इलेक्ट्रिक करंट तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है नेगेटिव चार्ज सर, राइट, पॉजिटिव चार्ज से ट्रांसफर होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, क्यों ये होता है, क्यों ये होता है बोलो,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव जो है उधर क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उधर क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ये, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना। सो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट, दो लॉजिक है, जो साइड में प्लस है वो प्लस से माइनस तरफ करंट फ्लो होता है। क्यों, ये पार्ट अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे यू विल ऑब्जर्व कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन करंट मतलब क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव डालते हैं, क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन में चलता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है इलेक्ट्रिक करंट, अंडरस्टूड। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब हम लोग जो कह रहे हैं कि कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, तो हम लोग इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव होता है, इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव होता है, ये भी कह सकते हैं हमें, अंडरस्टूड, कह सकते हैं। तो ये पार्ट को क्लैरिफाई करो नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है प्लस टू माइनस। क्यों, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल से डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, समझ गए। तो नेगेटिव टर्मिनल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा सो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल करंट, राइट, क्लियर है, यस सर, कोई डाउट, एनीथिंग, एनी मोर डाउट्स, कोई डाउट नहीं तो लेट्स प्रोसीड। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, क्लास 3-4 का बच्चे भी जानते हैं, जो विच अलाउज इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो फ्रीली दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। इसमें कोई पहाड़ तोड़ने का काम नहीं है, सिंपल बात है, कंडक्टर्स द मेटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इजिली थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड अ कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या करते हैं, विच डज नॉट अलाउ, विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट, विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो फ्रीली इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब हम लोग बोल सकते हैं विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड अ इंसुलेटर, अंडरस्टूड। इन जनरल केस में ऑल मेटल्स आर द कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर सम ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट,
इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होता है, दे आर द सिंबल, ये जो सिंबल है दैट इज वोल्टेज, द बैटरी का साइन है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इस ढंग का हम लोग लिखते हैं, और दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, राइट। बैटरी ऑफ द टू इंडिविजुअल सेल्स, दो ठो अगर बैटरी होगा तो उसमें हम लोग इस ढंग का लिखेगा। लैंप को कैसे करके हम लोग डिराइव करते हैं, लैंप को हम लोग ऐसे करके डिराइव करते हैं, इस ढंग का याद रखो ये सबको, नहीं तो बाद में सर्किट देखेगा कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। कनेक्टिंग वायर्स, दिस इज द कनेक्टिंग वायर्स, एंड इन क्रॉसिंग वायर्स क्या होता है, क्रॉस करते कैसे करके, इस ढंग का क्रॉसिंग होते हैं। कनेक्टेड टुगेदर मतलब ये ज्वाइनिंग करते हैं, दिस इज फ्यूज। फिक्स रेजिस्टेंस का हम लोग ऐसे करके करते हैं, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं रियोस्टेट, उसका सिंबल होता है दिस। प्लग की ओपन, प्लग की ओपन मतलब स्विच, स्विच जब ऑफ होता है तो उसको प्लग की कहते हैं, और जब प्लग की कोल क्लोज होता है दैट इज व्हाट, डॉट साइन आते हैं। दिस इज एमीटर एंड दिस इज वोल्टमीटर एंड दिस इज गैल्वेनोमीटर, राइट। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडे, दैट इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का डेफिनेशन मैं लिखा देते हैं, ओम्स लॉ का डेफिनेशन थोड़ा नोट कर लेना। When temperature, nature of the substance, temperature, nature of the substance, and other physical states remain constant, then flow of electric current is directly proportional to the potential difference across its ends, right? That is called Ohm's law. Temperature, nature of substance, and other physical states remain constant when temperature, nature of the substance, and other physical states remain constant, right? Then flow of electric current, then flow of electric current, flow of electric current matlab this I is directly proportional to the potential difference. Kya hota hai isme? This is A and this is B, right? This is A and this is B.
तो ये मान लो कि ये एंड का पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए, और ये एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वी बी, और इधर से करंट फ्लो हो रहा है आई, इधर से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो क्या होता है देखो ये वाला जो पार्ट है मैं इसको रब कर देते, वी ए माइनस वी बी प्रोपोर्शनल टू द आई हो जाता है, और वी ए माइनस वी बी होता है दैट इज कॉल्ड वी लिख रहा है प्रोपोर्शनल टू आई, अंडरस्टूड, प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसको अगर इज इक्वल टू करोगे इट विल बी व्हाट, वी इज इक्वल टू आई इनटू आर, राइट। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं एक चीज कि कोई भी अगर प्रोपोर्शनल साइन, प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर वाई इंक्रीज होगा सो एक्स भी इंक्रीज होगा, अगर वाई इंक्रीज होगा देन वाई एक्स भी इंक्रीज होगा, अगर वाई डिक्रीज होगा सो एक्स भी डिक्रीज होगा, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। ये प्रोपोर्शनल साइन से अगर हम लोग इसमें जाऊंगा कि इसको अगर इज इक्वल टू करने जाएगा वी नीड टू टेक अ कॉन्स्टेंट टर्म, राइट, वी नीड टू टेक अ कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स इज इक्वल टू के वाई, इधर भी वही है, ये प्रोपोर्शनल साइन, अगर करंट फ्लो बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, उल्टा बोल दिया हम, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सो करंट फ्लो उतना ज्यादा होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा सो करंट फ्लो उतना ही कम होगा, समझ गए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा है मैं, हाँ ये एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ये एंड का पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, और एक एग्जांपल दे रहा है दोनों पैरेलल करते हैं, ये एंड का मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, ये एंड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 वोल्ट, गैप कितना है, गैप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के अंदर में, 3 वोल्ट, और इधर का गैप कितना है, 1 वोल्ट। अब क्या लॉजिक होता है, अभी बताओ किस पे करंट फ्लो ज्यादा होगा, करंट फ्लो किस पे ज्यादा होगा, 3 वोल्ट, डेफिनेटली नीचे वाला में, क्योंकि ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं व्हेन टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड अदर फिजिकल स्टेट्स रिमेन कांस्टेंट देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं तो ये जो प्रोपोर्शनल जो साइन है इसके जब हम लोग इज इक्वल टू लिख रहे हैं ना, ये कन्वर्ट हो गया क्या आर में, आर मतलब क्या हो जाता है रेजिस्टेंस, आर मतलब क्या है रेजिस्टेंस, राइट, आर अगर रेजिस्टेंस हो गया दैट मींस आर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस जो है इट इज द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, कैन वी राइट, यस और नो, Yes, sir. So, what is the resistance? Let's learn. What is the resistance? क्या होता है?
रेजिस्टेंस क्या होता है चलो देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस or the substance by which it opposes to flow, the property of the substance by which it opposes to flow the electric property of the substance by which it opposes the flow opposes to flow the electric current is known as resistance, right? The property of the substance by which it opposes to flow the electric current is known as resistance. उसको हम लोग क्या कहते हैं? Resistance कहते हैं। कोई बॉडी का, कोई सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी के वजह से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए रुकाते हैं उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। So, अभी हम लोग जो पढ़ेगा वो है हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, मतलब ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन। चलो देखते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन व्हाट? क्या होता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन? नंबर वन, लेंथ ऑफ द सब्सटेंस। नंबर वन क्या? लेंथ ऑफ द सब्सटेंस तुम्हारा किताब में ऑलरेडी है। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू द एल। हाँ, अगर लेंथ बढ़ेगा सो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ ऑफ द वायर अगर बढ़ेगा सो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ ऑफ द वायर अगर घटेगा सो रेजिस्टेंस घटेगा। छोटा लेंथ का वायर लो, रेजिस्टेंस कम। लंबा लेंथ का वायर लो, रेजिस्टेंस हाई। अंडरस्टूड? रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का ऊपर डिपेंड करते हैं। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का ऊपर डिपेंड। वो क्या होता है? कोई तार जितना थिक है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गलती लिखा है हम। जो तार जितना थिक होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कमती होगा। पानी का पाइप सोचो, अगर ज्यादा मोटा होगा तो ज्यादा पानी जाएगा ना, ज्यादा पानी फ्लो करेगा। अगर थीन होगा तो कमती पानी बहेगा। अंडरस्टूड? कुछ नहीं है, ये पानी का जस्ट पाइप से पानी जा रहा है। डायमीटर बड़ा है, डायमीटर बड़ा है सो पानी ज्यादा फ्लो हो रहा है। सिमिलरली अगर फॉर थिक वेयर पानी ज्यादा फ्लो कर रहे, फॉर थिन वेयर पानी कम थी करंट। अगर फॉर थिक वेयर करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, फॉर थिन वेयर करंट कम थी फ्लो हो रहा है। अंडरस्टूड?
तो मतलब ये पता चल रहा है तो अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस कम, थ्री क्वायर है, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम. अंडरस्टूड? रेजिस्टेंस कम थी बोल के तो ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है. मतलब हम लोग क्या पता चल रहा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होता है. एरिया अगर ठीक होगा, एरिया अगर ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, एक तार को काटने से जो ये क्रॉस सेक्शन शो करते हैं, राइट? That is the area of the cross section, na? तो ये दोनों को अगर तुम joined करोगे, so it will be what? L by A होगा ना? Understood? L by A होगा? In that case, क्या होता है? रो एल बाई ए हो जाता है. अंडरस्टूड? रो एल बाई ए हो जाता है मतलब रो मतलब क्या हो गया, ए इंटू आर बाई एल. तो ये रो क्या है, ये रो क्या होता है, रो इज द कोएफिशिएंट ऑफ रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, right? Rho is called resistivity. तो क्या होता है ये resistivity? ये resistivity होता क्या हो? बताएगा मैं. देखो proportional sign से जब is equal to sign जा रहा है ना, proportional sign से जब is equal to sign जा रहा है ना, तब वी हैव टेकन अ कांस्टेंट टर्म. हम लोग क्या ले लिया, एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं. राइट? एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं. तो ये कांस्टेंट टर्म जो है इसका नाम क्या है, रो. स्पेलिंग क्या है, आर एच ओ. दिस इज द ग्रीक अल्फाबेट, ऐसा लिखते हैं रो को. समझ गए? ये रो को हम लोग ऐसे लिखते हैं. दैट मीन्स अगर ये रो को ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रो इज इक्वल टू ए इंटू आर इंटू एल कर रहे हैं, ए इंटू आर इंटू एल कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं, चलो देख लेते हैं हम लोग. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, अच्छा उसका पहले मैं रेजिस्टेंस का यूनिट बोल देते हैं. एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट of resistance क्या होता है, ओम होता है, राइट? ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है. ठीक है, इसको कहते हैं ना
इसका नाम क्या है? ओम, OHM, ओम। समझ में आ रहा है तो मैं जो बोल रहा है? कोई दिक्कत? एनी डाउट टू बी आस्क्ड? नो सर, नो सर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन में जा रहे हैं। रेजिस्टिविटी क्या होता है? देखो मैं लिख रहा है, रेजिस्टिविटी ये होता है इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस of the conductor which is 1 meter in length and 1 square meter in the area of क्रॉस सेक्शन। इट इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच इज 1 meter इन लेंथ एंड 1 square meter इन द एरिया ऑफ द कंस्ट्रक्शन, 1 क्रॉस सेक्शन एंड 1 square meter इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। So that is called resistivity. Understood? Clear? It is numerically equal to the resistance of a conductor. नहीं है, हम लोग इसको better to write इस ढंग का लिखेगा, of a substance. It is numerically equal to the resistance of a substance which is 1 meter in length and 1 square meter in area of the cross section. That is called a resistivity. Right? SI unit of the resistivity kya hota hai? क्या होता है? ओम मीटर होता है, राइट? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहते हैं, इट इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज 1 meter इन लेंथ। मान लो उसका लेंथ है 1 meter, मान लो उसका लेंथ है 1 meter, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन है 1 meter। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह सकते हैं इसको ए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। समझ गए? सो इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना होगा? इसका कटेगा तो 1 meter square, लेंथ कितना होगा? 1 meter। Understood? So this is called a resistivity.
मतलब क्लियर है कॉन्सेप्ट और नॉट? यस, समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। देखो इसमें हम लोग चला जाते हैं किताब में, सुपर कंडक्टर, इसको मार्क करके रखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। मटेरियल्स एग्जिबिटिंग वर्चुअली जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर लाइक 2 to 5 केल्विन। 2 to 5 केल्विन मतलब मालूम है कितना? 0 केल्विन मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? -273 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब होता है 0 केल्विन, राइट? तो आप सोच लो 2 केल्विन मतलब कितना होगा? 2 minus 273 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या होता है? -271 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर में क्या होता है? मेटेरियल एग्जिबिटिंग वर्चुअली जीरो रेजिस्टेंस, उसका अंदर में रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाता है। दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टर्स एंड द फेनोमेना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। समझ गए? ये फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी, राइट? जिसमें रेजिस्टेंस बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, वेरी लो टेम्परेचर होना पड़ेगा, 2 to 5 केल्विन। समझ में आया? और दिस फेनोमेना इज नोन एज अ सुपर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट डे